हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनल्स। दिस इज शिल्पा और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक है आपके लिए और इसके बहुत सारे रोल्स हैं। बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी डिफिकल्टी आती है कि सेंटेंस में अगर सिंगुलर वर्ब्स हैं कहाँ पे यूज करनी है और कैसे उसका यूजेस क्या होंगे, उसके रोल्स क्या होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसके रोल्स के बारे में देखेंगे। तो आपको अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स से। देखिए, रूल्स ऑन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट रूल जो है इसका बेसिक रूल वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है देन यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। फर्स्ट रूल देखो इसका क्या है, द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। आपने हमेशा इस चीज को रिमाइंड रखना है कि अगर आपने यू है कहीं पे सब्जेक्ट आपका, यानी वो प्रोनाउन यू का यूज हो रहा है सेंटेंस में, देन वी हैव टू यूज वर्ब आर और सिंगुलर। ये यू जो है आपका सिंगुलर वर्ड है ना, बट आपने प्लूरल वर्ब को ही यूज करना है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने टेंसेस पढ़े थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर है देन आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस का यूज करना होता है और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे सिंग का यूज किया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे रूल की तरफ, वो क्या है, इफ अ सेंटेंस बिगन्स विद हियर और देयर द वर्ब एग्रीज द सब्जेक्ट व्हिच फॉलोज इट। अब देखो यहाँ पे हियर और देयर के यूज पे आपने हियर आर द वेज ऑन हाउ वी प्रिजर्व मी एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आप अगर सेंटेंस की सेंस को देखते हो, आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर सकते हो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर है और है दो वर्ड्स हैं। अगर आप आर का यूज करते हो तो आप वो किसके लिए करते हैं, हम है के लिए। लाइक उन्होंने हमें क्या बोला कि मीट को प्रिजर्व करने के बहुत से वेज हैं, ठीक है, और रिच और पुअर में बहुत बड़ा गैप है। तो है के लिए हमने इज का यूज किया और है के लिए हमने आर का यूज किया। अगर आप सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो बच्चे तो आप इजिली इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कहां पे आपने इज का यूज करना है और कहां पे आपने आर का यूज करना है। आगे देखते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, इफ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगल एंड वन प्लूरल आर कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नोर द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। कि अगर दो सब्जेक्ट एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और वो कनेक्ट किससे हो रहे हैं, ईदर और से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपने सब्जेक्ट जो नियरर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब को प्लेस करना है। आपको ये बात क्लियर हुई कि देखो बच्चे एक सिंगुलर वर्ब यानी यहाँ पे जो प्लेयर्स है आपका वो क्या है, प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे एस का यूज हुआ है और कोच क्या है, सिंगुलर। तो आपने ये जो वर्ड है कोच, आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब प्लेस करी इज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ईदर द कंडक्टर और द सिंगर्स। यहाँ पे जो सिंगर्स है ये सिंगर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आर का यूज किया। बहुत ही आसान सा मतलब मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर दो सब्जेक्ट है एक सिंगल है और एक प्लूरल है और वो कनेक्ट किससे हो रही है, इधर और से नीदर नोर से, तो आपने वर्ब कैसे यूज करनी है, नियर द सब्जेक्ट आपने अपनी वर्ब को यूज करना है। कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड सब्जेक्ट जो है आपका वो सिंगुलर है देन सिंगुलर, अगर प्लूरल है देन प्लूरल। आगे देखते हैं अपना फोर्थ रूल, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इनवर्टनिंग वर्ड्स और फ्रेज। कौन कौन से फ्रेजेस है वो, विद एज वेल एज इन एडिशन टू अकंपनीड बाय टुगेदर विद no less than। अगर इनमें से कोई भी phrase है then you have to use singular verb। Jack accompanied by his sisters। आपने उसके
accompanied by, इसमें ये phrase use हुआ है, then हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इज का यूज किया, daddy as well as my brothers. आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे brothers है, ठीक है, आपने ये देखना कि इसमें phrase कौन सा है, as well as, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज का यूज किया, ठीक है. आगे देखते हैं हमारा fifth rule, sorry. Singular subject joined by and require a plural verb except when they mean one thing. कि singular subject जो कि joined होते हैं and से, वो require क्या करते हैं, plural verb को, like Larry and Mercy. Larry and Mercy are reading novel. My teacher and friend is here. According to the sense of the sentence, हमने यहाँ पे इस MR का use करा है. कि singular verb कहाँ पे आई और plural verb कहाँ पे आई है हमारी. आगे देखते हैं हमारे sixth rule की तरफ. तो singular subjects joined by either or neither nor takes a singular verb. ये either or neither nor है क्या, ये actually आपके क्या है, connectors हैं. ये connectors क्या होते हैं, जो two words को, two sentences को, two phrases को आपस में connect करते हैं, वो होते हैं conjunctions. तो ये आगे हम किसी वीडियो में conjunctions पे भी बनाएंगे अपना वीडियो, जिसमें ये concept आपका पूरा clear होगा. अभी आप देखो कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं इधर और नीदर नोर से, देन हमने सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज करना है. हमने वर्ब जो लेनी है वो सिंगुलर होगी, लाइक इधर मॉमी और डैडी. मॉमी और डैडी आपके ये क्या है, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और ये किससे कनेक्ट हुए थे, इधर और से. तो हमने क्या यूज किया, इसका यूज किया. सेकेंड वन भी देखो जरा, नीदर फ्रेडी नॉर डर्स is waiting for you. यहाँ पे neither nor से ये दो जो आपके subjects, singular subjects connect हो रहे हैं, हमने is का use किया. आगे देखते हैं हमारा seventh rule. If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. कि अगर एक singular subject जो कि follow हो रहा है plural noun से, then आपने क्या करना है, अपनी verb को हमेशा सिंगुलर रखना है. ये सिंगुलर है वन, बट यहाँ पे ये फॉलोड किसको कर रहा है, प्लूरल वर्ब नाउन को, सॉरी बॉयज आपका क्या है, प्लूरल नाउन. तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, वन ऑफ द मेंबर्स. अब यहाँ पे भी मेंबर्स है, ये प्लूरल फॉर्म में है, देन हमने क्या किया, उसको इज लगाया. क्यों लगाया हमने इज, क्योंकि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, जो मेंबर्स है आपका, ये प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने आगे जाकर सिंगुलर वर्ब का यूज किया. आगे देखते हैं हमारा एट्थ जो रूल है वो क्या है, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस. वो कौन कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर. ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं. जैसे आपका आया बोथ वर, सेवरल आर, आप यहाँ पे बोथ इज नहीं लिख सकते, बोथ वॉज नहीं लिख सकते. आपने ध्यान देना कि आपने इसे प्लूरल फॉर्म में ही रखना है. आगे देखते हैं हमारा नाइन्थ जो रूल है वो क्या है, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस सम, मोस्ट, ऑल, नन आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन वो कौन कौन से हैं, सम, मोस्ट, ऑल एंड नन. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. जैसे इसमें है कि सम ऑफ द गर्ल्स, कुछ गर्ल्स एब्सेंट थी, देन हमने यहाँ पे क्या करा, वर्ब. सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, कुछ आइसक्रीम बची है, ठीक है. तो आपने सेंस ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अपना सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब को प्लेस करना है. टेंथ रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडेफिनेट प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर. आपने देखा कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वो एवरीबडी. बच्चे ये जितने भी प्रोनाउन्स है आपको अपने माइंड में इसको रखना पड़ेगा, एवरीबडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबडी, नोबडी, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, ईदर, नीदर, एवरीवन, समबडी और समवन. अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, एवरी मैन एंड वुमन. हमने क्या यूज किया, इसका यूज किया. आगे देखो
11. Expressions of time, money, weight and distance are singular even if the form is plural. जो expression of time, money, weight and distance है वो हमेशा क्या होंगे? Singular होंगे. जैसे आपको यहाँ पे दिया 2 years, हम ये देख रहे हैं कि 2 years है तो ये ज्यादा हो गए, प्लूरल है. पर आपने वर्ब को क्या रखना है? सिंगुलर. $1 million, यहाँ पे डॉलर्स है, प्लूरल है, पर हमने अपनी वर्ब को क्या रखना है? सिंगुलर. नॉट $2 million वर्ड, वो गलत हो जाएगा. $2 million वर्स. ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 12th. When the amount of money refers to separate unit, the verb is plural. जब जो amount of money है वो separate unit को refers करती है. Like 5, यहाँ पे क्या लिखा है? 525 cents वो coins were found. ये plural form में आना चाहिए. 1600 pesos bill, ये भी आपका plural form में आ गया. तो बच्चे आज के इस वीडियो में हमने इसके पढ़े हैं 12 rules के बारे में. Next video जो होगा उसके लिए मैं कुछ टाइम लूंगी थोड़ा सा. उसके बाद हम इतना सेकंड वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे और आपको ये 12 के 12 रूल जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा. थैंक यू.